30 साल पहले गुजरात में जातिवाद का जहर इतना तो जहनों में डाल दिया गया था, उस जहर को निकालते निकालते मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के 30 साल खप गए हैं, 30 साल। तब जाकर के गुजरात से वो जातिवाद के जहर से मुक्ति मिली, सबका साथ सबका विकास और विकास की दिशा में आगे चले। लेकिन सत्ता भूख के कारण इस चुनाव में कुछ लोगों ने, मैं आज यहां किसी की आलोचना करने नहीं आया, लेकिन मैं गुजरात को कहना चाहता हूं, पिछले कुछ महीनों में फिर से एक बार जातिवाद के बीज बोने के जो प्रयास हुए हैं, जिसको गुजरात की जनता ने नकार दिया है, इसलिए वो अभिनंदन के पात्र है। लेकिन गुजरात की जनता को पहले से ज्यादा अधिक जागरूक होना पड़ेगा। पीछे कुछ महीनों में कुछ लोगों ने अपने खेल खेले, आपने उसे सफल नहीं होने दिया, लेकिन आगे वो अपनी हरकतें छोड़ेंगे नहीं।